काफी परेशान है, हाथ पाथ अपना भटक रहे, टूट रहे, क्या कुछ चल रहा है ये सब? दरअसल विवान जो है उसके हाथ में तिमनासा ने एक ऐसा फल खिला दिया है उसके, जिसके कारण उसका जो हाथ है वो किसी भी चीज़ को छूता है तो वो पत्थर का बन जाता है। तो विवान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसे भी वो छूता है वो पत्थर बन जा रहा है। मस्ती परी है, उसकी बहन है, खुशी है, कोई भी चीज़ खाने की कोशिश करता है तो वो भी पत्थर का बन जाता है। तो बालवीर बस यही असमंजस में है कि कैसे विवान की इस प्रॉब्लम को दूर करें। वो काल लोग भी जाते हैं इसका हल ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ तिमनासा है वो उसे परेशान करती है, वापस भेज देती है। वीर लोक में शौर्य को भी इसका हल नहीं पता, एक नई प्रॉब्लम है। तो हर तरफ से बालवीर गिर चुका है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना है। विवान जो एक बच्चा है उसे उसकी शक्तियों से वापस उसे ठीक करना है, उसे शक्तियाँ देनी है, और साथ ही साथ बालवीर को इस सब में से अच्छाई और सच्चाई की रक्षा भी करनी है। तो कैसे ये सब बालवीर करता है वो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं विवान काफी परेशान हो रहे हैं, वो खुद को ही कोस रहे इस चीज के लिए, तो आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, बट क्या विवान समझ पा रहे हैं जो आप समझा रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि विवान बहुत सारी बदमाशियाँ करता है, और इसी जस्ट इससे पहले एक बच्चे की जान जाते जाते बच जाती है, बालवीर उसकी जान बचा लेता है विवान की गलतियों से। तो मैं उसे डांटता हूँ और वो कहता है मेरी शक्तियाँ ले लो, तो मैं उसकी शक्तियाँ ले लेता हूँ। जस्ट उसके बाद तिमनासा उस पर ये षड्यंत्र खेलती है, तो हम उसे ओवरकम करने के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। फिर विवान यही समझता है कि उस वो गलतियाँ करता है इसलिए उसकी शक्तियाँ चली गई, बुरी शक्तियाँ उसके साथ ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती समझ रहा है, लेकिन वो एक बच्चा है, नादान है, हम ये समझते हैं, और उसे बालवीर बनने में भी बहुत देर है, तो उसे समझाना हमारी जिम्मेदारी है, बस वही हम कोशिश कर रहे हैं। जी दरअसल ऐसा है कि सॉल्यूशन तो मिलता है, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है। तिमनासा उसे सॉल्यूशन देती है, अलग अलग फल देती है कि इस फल का एंटीडोट ये है, लेकिन बालवीर वो लेकर जाता है, वो एकदम फेल हो जाता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो तिमनासा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो दे रही है लेकिन उल्टा फंसा भी रही है। तो बालवीर को इस बार ओवर स्मार्ट होकर कहीं ना कहीं तिमनासा को ओवरकम करके दो कदम आगे बढ़ के सोचना होगा, और वो कैसे सोचता है वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। सो 2019 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है बालवीर के लिए भी और मेरे लिए पर्सनली भी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहा है ये मेरे लिए। ऑफकोर्स बालवीर रिटर्न इस बार इस साल शुरू हुआ है, तो अगले साल भी ऑफकोर्स कंटिन्यू होगा, आप सबका प्यार हमें मिलता रहेगा। इस साल टॉप 10 में जब ग्लोबली बालवीर आया है तो हम चाहते हैं कि और भी नंबर्स में ऊपर जाए, जितने लोग इसे देखते हैं इसका और एक्सपांशन हो वर्ल्ड में, और भी लोग इससे अच्छाई और सच्चाई का मैसेज लिए, इसे मोटिवेट हो, और बस बालवीर रिटर्न्स देखते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। बालवीर यानी आप सबके प्यारे देव जोशी की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।